सो हे गाइस, मैं नाम अनुप एंड यू आर वॉचिंग करेज टेक। सो गाइस, आज हमारे पास वन प्लस नॉट सी 5G। गाइस, सी का मतलब है कोर एडिशन। एंड गाइस, आज हम इसकी करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। एंड गाइस, इसकी करेंगे फुल रिव्यू। एंड गाइस, देखेंगे इसमें हमें कौन से नए नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सो चलिए गाइस, ज्यादा देर नहीं करते, पहले हम करते हैं क्विक अनबॉक्सिंग एंड देन गाइस इसके हम डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें बॉक्स की, अगर बॉक्स के ऊपर हमें नॉट देखने को मिल जाता है एंड इसके अंदर हमारा ये रहा फोन। सो फिलहाल पहले हम यहाँ फोन को साइड में रखते हैं एंड देखते हैं कि इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं। सो इसके अंदर हमें इसका एक बैक कवर देखने को मिल जाता है एंड इसके कुछ यूजर्स मैनुअल। एंड गाइस, ये जो इसका बैक कवर है काफी एकदम मतलब फुल्ली स्ट्रेचेबल एंड गाइस काफी फ्लेक्सिबल टाइप का कवर है। एंड नेक्स्ट, इसके अंदर जो इसके यूजर मैनुअल, इसके अंदर इसकी सिम ट्रे टूल मिल जाती है एंड नेक्स्ट इसके सारी यहाँ यूजर मैनुअल, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो इन्हें फिलहाल साइड में फेंकते हैं। एंड नेक्स्ट, इसके अंदर हमें यहाँ इसकी चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ माइक्रो यूएसबी टू टाइप सी केबल है। एंड इसके बाद गाइस, अगर बात करें चार्जर की, तो गाइस ये हमें यहाँ वेब चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ 30 वोल्ट का यहाँ पे फास्ट चार्जर है। सो चलिए दोस्तों, इन सब चीज़ों को पहले साइड में रखते हैं गाइस, अब चलते हैं अपने यहाँ फोन के ऊपर। सो इसका रैपर भी पहले यहाँ जल्दी से यहाँ रिमूव कर लेते हैं। गाइस, अगर हम बात करें फोन के कलर की, सो गाइस ये हमारा चारकोल ब्लैक है। एंड गाइस, बात करें इसके साइड्स की, ये साइड आपको यहाँ पे ब्लैक ब्लैक देखने को मिल जाती है एंड बीच में आपको यहाँ चारकोल ब्लैक देखने को मिल जाता है। तो चलिए स्टिकर को पहले यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं। सो अब बात करते हैं कि हमें फोन में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो इसके डाउन साइड में हमें 3.5 mm का ऑडियो जैक, एक टाइप सी यहाँ चार्जिंग पोर्ट एंड इसके साइड में हमें इसके स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है। एंड गाइस, अगर बात करें इसके राइट साइड की, तो गाइस यहाँ पे हमें इसका एक पावर बटन देखने को मिल जाता है। एंड गाइस, अगर हम बात करें इसके अपर साइड की, तो यहाँ आपको एक नॉइस कैंसिलेशन का एक छोटा सा एक माइक देखने को मिल जाता है। एंड अगर हम बात करें इसके लेफ्ट साइड की, तो यहाँ पर आपको इसकी सिम ट्रे एंड आपको इसके वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिल जाता है, जो कि आपके इसके प्लस एंड माइनस ये दोनों यहाँ पे हैं। तो चलिए गाइस, अब जल्दी से पहले हम अपने फोन के पे ऑन कर लेते हैं। सो दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे डिस्प्ले की, सो गाइस इस डिवाइस में हमें 19 हर्ट्ज का फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। एंड गाइस, इस डिवाइस में हमें 19 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जिसका यहाँ पे टच रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी फास्ट है। एंड गाइस, इस डिवाइस में हमें फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके कॉन्ट्रास्ट एंड गाइस जो इसकी कलर है, इसकी क्लैरिटीज में हमें कितनी अच्छी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड गाइस, इस डिवाइस में हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है गाइस, जिसका आप यहाँ पर अनलॉकिंग रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं कितना फास्ट है। अब गाइस जस्ट टच कर सकते हैं कि साथ ही कितना इंस्टेंटली यहाँ पे अनलॉक भी हो जाता है। सो चलिए गाइस, हम इन चीज़ों को साइड करते हैं एंड गाइस अब चलते हैं उसके अबाउट सेक्शन में। सो गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोसेसर की, सो इस डिवाइस में हमें स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। एंड गाइस, अगर हम बात करें हमारा कौन सा वेरिएंट है, सो गाइस ये हमारा 8GB रैम एंड 128GB रोम का वेरिएंट है। एंड गाइस, इसमें हमें 64 MP रियर कैमरा एंड 16 MP फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। एंड गाइस, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, इसमें हमें 19Hz का फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। एंड गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन की, तो गाइस इस डिवाइस में हमें यहाँ पे एंड्रॉइड 11 देखने को मिल जाता है। एंड गाइस, एज इट इज इस डिवाइस में हमें यहाँ पे ऑक्सिन OS 11 देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल लेटेस्ट है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर रैम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क बहुत देख लिया एंड अब ट्राई करते हैं इसका गेमिंग, कि गेमिंग के मामले में कैसा फोन है। सो चलिए दोस्तों, हम इसके आपको ग्राफिक्स भी एक बार चेक करा देते हैं। सो बाय डिफॉल्ट इसके फ्रेम रेट्स एंड ग्राफिक्स दोनों यहाँ पर हाई पे आते हैं, बट हम चाहते हैं इन दोनों को वेरी हाई पे भी ले आ सकते हैं, इवन मैक्स पे भी ले आ सकते हैं इसके फ्रेम रेट, बट जैसे आप इसे मैक्स पे करेंगे जो ग्राफिक्स है वो हाई पे आ जाएंगे। एंड अगर हम बात करते हैं वेरी हाई की, सो ये दोनों इसके फ्रेम रेट्स एंड ग्राफिक्स दोनों यहाँ पे वेरी हाई पे भी हम इसके गेम प्ले कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसे मैक्स पे डालते हैं एंड गाइस अब चलते हैं हम सीधा अपने गेम में बंदों को बजाने। सो गाइस, सबसे पहले तो यहाँ पे 2-3 बंदों को यार निपटाने, तो उसके बाद हम बात करते हैं। अरे यार, कोई नहीं कोई नहीं, एक बार होता है होता है होता है, नेक्स्ट राउंड भर देंगे भर देंगे। ये क्या है, ये तो मजाक चल रहा है यार, मतलब कोई भी अबे भाई अब सीमा पार हो गया, अब यहाँ इज्जत का सवाल है। वीडियो जब भाड़ में पहले बंदे भरने दो, इनकी ऐसी की तैसी, मतलब समझ क्या रखा था, एक दो बार क्लिक कर दिया तो मतलब कि नो भी डिक्लेयर कर दोगे क्या हमें। वीडियो तो आराम से बनेगी, पहले बंदे निपटा लेने दो। Oh,
यस दोस्तों फाइनली इनको भी ठोक दिया, मतलब कि एक दो बार हमें का किल क्या कर दिया, का नो भी डिक्लेयर कर दोगे, हम प्रो प्लेयर हैं। सो गाइस जैसा कि मैंने इसमें अभी गेमिंग किया, सो गाइस गेमिंग के टाइम में गाइस मैंने काफ़ी देर तक यहाँ गेमिंग किया, बट मुझे यहाँ पे कुछ खास यहाँ पे हीटिंग इशू देखने को नहीं मिला, जो कि आपने बहुत से MI के डिवाइस या अदर डिवाइस में देखा होगा कि हीटिंग वजह से जो उसका बैक पैनल है वो यहाँ पे हीट हो जाता है, इनका मतलब जलने लग जाता है। बट गाइस मुझे ऐसा यहाँ पे कोई भी इशू यहाँ पे देखने को नहीं मिला एंड काफ़ी स्मूथ हमें यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस देखने को मिलता है गेमिंग के मामले में। सो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसके कैमरा सेंसर की। सो इसके बैक में यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें यहाँ पे प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का जो कि एक वाइड एंगल लेंस है, एंड सेकंड इसमें एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, एंड थर्ड इसमें यहाँ पे डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का लेंस है। एंड अगर बात करें इसके फ्रंट कैमरा की, सो ये हमें 16 मेगापिक्सल का यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड गाइस अगर हम बात करें इसके पिक्चर्स की, सो इसमें मुझे एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी वियर्ड लगी, जैसे कि अभी आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं डिस्प्ले पे हमें जो इसका बैकग्राउंड दिख रहा है ये इसके नॉर्मल बैकग्राउंड के हिसाब से काफ़ी इसके कलर यहाँ पे इनहेंस्ड होकर आ रहे हैं, बट गाइस ये हमें इसके ओनली लाइव व्यू में दिख रहा है। बट गाइस जैसे हम यहाँ पे कोई भी इसके यहाँ पिक्चर क्लिक करते हैं एंड पिक्चर को जब देखते हैं, सो गाइस जो हमें कलर उस टाइम दिख रहे होते हैं गाइस वो यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ पे डिक्रीज हो जाते हैं। गाइस वीडियो में भी आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी इसके कलर इनहेंस्ड है, बट गाइस अगर हम नॉर्मली बात करें तो थोड़े डिक्रीज हो जाते हैं, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी यहाँ पे अजीब लगी। सो चलिए अब हम बात करें यहाँ पे वीडियो की। सो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे वीडियो क्वालिटी की, सो गाइस इस डिवाइस में हमें यहाँ पे फुल HD से लेके 4K तक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें जो कि हमारे यहाँ पे फुल HD पे हम यहाँ पे 16 FPS एंड 30 FPS हम इन दोनों पे से शूट कर सकते हैं। जैसा कि भी आप यहाँ देख सकते हैं हम यहाँ से इसकी फ्रेम रेट चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे फुल HD में 60-30 FPS आपको जितने यहाँ पे फ्रेम रेट चेंज करने हैं उतने पर हम इसे सेट कर सकते हैं। बट अगर यही बात करेगा हम यहाँ पे 4K की, सो गाइस 4K में गाइस हमें यहाँ पे ओनली 30 FPS के यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड गाइस जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में बताया था कि पिक्चर लेने वाले की जो क्वालिटी होती है वो कलर ग्रेडिंग थोड़ी डल हो जाती है, गाइस ऐसे ही एरर मुझे इसके कैमरा में देखने को मिला जब भी हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करके उस पर फोकस करते हैं, सो गाइस ज़्यादा देर तक उस पर फोकस नहीं रह जाता, तो ये इसमें मुझे थोड़ी दिक्कत सी लगी। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं इसके स्लो मोशन की। सो गाइस हमें इसके दो मोड देखने को मिल जाते हैं, गाइस एक होता है हमारा 720 जिसमें हमें यहाँ पे 120 FPS का फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है, एंड गाइस एक है 180 जिसमें हमें 240 का फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है, गाइस जिसको हम नॉर्मली एक स्लो मोशन और एक सुपर स्लो मोशन भी कह सकते हैं, जिससे हम ये दोनों तरह की क्वालिटी का हम यहाँ पे वीडियो शूट कर सकते हैं। सो दोस्तों ये तो होगी इसकी पिक्चर क्वालिटी एंड इसके कैमरा सेंसर के बाद, बट गाइस अगर हम बात करें सेटिंग्स की, तो गाइस सेटिंग्स में हमें यहाँ पे हाई एफिशिएंसी वीडियो मोड देखने को मिल जाता है जो कि एक वीडियो फॉर्मेट है। गाइस वीडियो फॉर्मेट क्या होता है, जैसे आपको कोई भी वीडियो शूट करते हो तो जो उसके लास्ट में .MP4 या फिर पिक्चर में JPG गाइस ये जो देखने को मिलता है गाइस ये उनके लिए फॉर्मेट, तो गाइस ऐसे इसमें हमें HEVC फॉर्मेट देखने को मिल जाता है। एंड गाइस HEVC का फॉर्मेट हमें iPhones में देखने को मिल जाता है। गाइस इस फॉर्मेट में हमारी वीडियो की जो ड्यूरेशन होती है गाइस जो उसकी क्वालिटी होती है गाइस वो तो यहाँ पे पूरी होती है, बट गाइस इस फॉर्मेट में जो उसका साइज होता है गाइस वो यहाँ पे काफी हद तक कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे स्टोरेज भी बचता है। बट गाइस इस फॉर्मेट में भी एक प्रॉब्लम है गाइस, ये फॉर्मेट आपके जो ओल्ड एजेस जो डिवाइसेस हैं जो पुराने डिवाइस हैं गाइस उनमें ये फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता, बट गाइस हमें यहाँ किसी अदर फोन से क्या लेना, हमारे में सपोर्ट करता है इतना बहुत है। सो गाइस ये तो गाइस इसकी सारी चीज बात है, तो चलिए गाइस अब मैं आपको इसके कुछ वीडियो सैंपल्स एंड कुछ इसके फोटो सैंपल्स भी दिखा देता हूँ कि हमें इसमें कैसी पिक्चर एंड कैसी वीडियो क्वालिटी में हमें देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अभी आपने ये जो वीडियो एंड फोटो सैंपल्स देखा वो गाइस हमने अपने इसी OnePlus के डिवाइस से ही लिया था। सो दोस्तों अगर हम बात करें इस डिवाइस के बैटरी एंड चार्जर की, सो गाइस इस डिवाइस के साथ हमें यहाँ 30W का रैप चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि एक फास्ट चार्जर है। एंड गाइस यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है कि ये आपके फोन को 30 मिनट्स में 0-70% तक चार्ज कर सकता है। एंड गाइस इस डिवाइस में हमें यहाँ पे 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि हमें यहाँ पे अच्छा खासा बैटरी बैकअप दे देती है। एंड गाइस ये जो डिवाइस है गाइस ये एक 5G डिवाइस है, जैसे कि आप यहाँ इसके बॉक्स पे भी देख सकते हो गाइस इसके नाम के साथ यहाँ पे 5G अटैच कर दिया गया है। बट गाइस अगर मैं आपको एक वियर्ड चीज बताऊँ तो गाइस इसमें हमें 5G के सिर्फ एक ही बैंड देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे काफ़ी अजीब बात है, यार कंपनी वाले कम से कम एक या दो बैंड ही दे दिए होते हैं। एंड गाइस नेक्स्ट अगर बात करें इसके कैलकुलेटर की, तो इस कैलकुलेटर में मुझे इसकी एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, जैसे आप इसमें OnePlus टाइप करके जैसे इक्वल करेंगे सो यहाँ पे नेवर सेटल लिखा हुआ था जो कि OnePlus का मोटो है। सो गाइस नेक्स्ट एंड लास्ट बात करें यहाँ इसके स्पीकर्स की, तो गाइस इस डिवाइस में हमें यहाँ डुअल स्पीकर्स तो नहीं, बट गाइस जो इसका सिंगल स्पीकर है वो भी इसमें काफ़ी पावरफुल देखने को मिल जाता है।
सो दोस्तों अभी आपने ये जो ऑडियो सैंपल सुना गाइज, मैं भी ये श्योर नहीं कि आपको ये कैसा सुनाई दिया, क्योंकि गाइज ये डिपेंड करता है मेरे यहाँ माइक पे एंड आप यहाँ पे कौन सा हेडसेट यूज़ कर रहे हैं इस वीडियो को देखने के लिए। सो गाइज अगर मैं अपना पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो गाइज मुझे इसके स्पीकर जो सिंगल स्पीकर थे वो यहाँ पे काफ़ी लाउड देखने को मिले एंड जो इसकी साउंड क्वालिटी एंड जो इसके मिड्स थे वो भी मुझे यहाँ पे काफ़ी बैलेंस देखने को मिले। सो गाइज ऑल ओवर 22 से 23 हज़ार के प्राइस रेंज पे हमें ऑलमोस्ट फ्लैगशिप लेवल का फोन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। सो गाइज होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। सो गाइज प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल करेज टेक।